विद्यादित्तय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ताय शैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वम् चरम चरमुचवचमिदम् नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महादेव अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के ब्रह्म जिज्ञासा पद के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा अवगतिर ही पुरुषार्थः निश्चेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निवरणात् तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम्। ये विचार है, ये उपसंहार कर दिया। पुरुषार्थ क्या है? बोलते हैं ब्रह्म अवगति, ब्रह्म का साक्षात्कार यही पुरुषार्थ है। निध्यासन करने पर अखंड ब्रह्माकार वृत्ति होती है, जिस वृत्ति में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है ना, वही है पुरुषार्थ। श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, क्यों? इसलिए करते हैं। इसलिए कहा यहाँ पर भावतिकार ने, अविद्यादि निवृत्ति ही उपासना कार्यात अंतःकरण वृत्ति भेदात साक्षात्कारात इति द्रष्टव्यम्। यही साक्षात्कार है, जो अंतःकरण में जो वृत्ति है, चरम वृत्ति बोलते हो, है ना? जिस चरम वृत्ति में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती, वही साक्षात्कार है। तो किससे प्राप्त होता है? उपासना कार्य, उपासना का अर्थ यहाँ पर निध्यासन। आपने श्रवण किया, फिर संशय को दूर करने के लिए मनन किया, फिर आपने निध्यासन किया, अहम असि परब्रह्म। तो निध्यासन करने पर अंतकर्ण में जो वृत्ति होती है, चरम वृत्ति है ना, वही है साक्षात्कार। यही यहाँ पर समझना चाहिए। पेज नंबर क्या है? राजू बताओ भाई। हाँ अच्छा, 91। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, 91 है। जो प्रथम पैराग्राफ के नीचे है ना, अविद्यादि निवृत्ति तदुपासना कार्य, ऊपर से 1 2 3 तीन नंबर लाइन के लास्ट में है, अविद्यादि निवृत्ति तो उपासना कार्यात अंतःकरण वृत्ति भेदात साक्षात्कारात इति द्रष्टव्यम्। ये यहाँ पर भी है ना, ये जो अंतःकरण की वृत्ति है ना, इसको चरम वृत्ति बोलते हैं वेदांत में। बार 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 ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करोगे ना, अंत में एक चरम वृत्ति होती है, जिस चरम वृत्ति में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। एकदम दर्पण को साफ कर दो, देखो आपका प्रतिबिंब स्पष्ट होगा कि नहीं। इसी प्रकार से हाँ, वही को कहते हैं साक्षात्कार, वही है पुरुषार्थ। वास्तविक पुरुषार्थ तो यही है, चरम वृत्ति को प्राप्त कर लो, वही पुरुषार्थ है। और आगे कुछ करना नहीं पड़ता है। अंतिम प्रहार हाँ, आघात किया तो पत्थर फूट गया, आगे उसको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक वो जो अंतिम प्रहार नहीं होता है, जिस अंतिम प्रहार से पत्थर फूटेगा, जब तक प्रहार नहीं होता, ये जब तक पत्थर नहीं फूटता है, तब तो क्या करोगे? बस प्रहार करते रहो करते रहो करते रहो, है कि नहीं? वही आपका पुरुषार्थ है कि नहीं? पत्थर को फोड़ना ही आपका पुरुषार्थ है, ठीक है? इसी प्रकार से अविद्या को निवृत्त करना, जिस चरम वृत्ति से
ये होता है परम पुरुषार्थ। वो किससे होगा, क्या करने पर होगा, उपासना करने पर होगा। उपासना का अर्थ यहाँ पर निध्यासन है। अच्छा, इति द्रष्टव्यम भावतिकार ने कह दिया, ऐसा साधक को समझना चाहिए। द्रष्टव्यम का अर्थ होता है समझना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार ने उपसंहार कर दिया, भाष्य में आया तस्माद् ब्रह्मा विजिज्ञासितव्यम, इसलिए साधन चतुष्ट संपन्न हो गया साधक तो क्या करना चाहिए, हैं ब्रह्मा विजिज्ञासितव्यम, ब्रह्म का विचार करना चाहिए कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म को जानने के लिए विचार करना चाहिए। अच्छा, कौन करेगा? करेगा कौन, बोलते मुमुक्षु करेगा और कौन करेगा। हाँ, जो संसार से संतप्त है, संसार तो दुख रूप है, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे ब्रह्म लोक जाओ, ये तो संसार ही है, संसार का स्वभाव ही दुख है। इसलिए जब निश्चय हो गया तो संसार से हमको छूटना है, और महापुरुष के मुख से सुन लिया कि ब्रह्म ज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है कि नहीं, बोले अविद्या देव संसारो ज्ञाना देव विमुच्यते, महापुरुष के मुख से सुना, जैसे नारद जी सनत कुमार भगवान से कहते हैं, तो महापुरुष के मुख से हमने सुना है, क्या सुने हो, तरति शोकम आत्मविद। इसीलिए मुमुक्षु ही ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार प्रारंभ करता है, जो मुमुक्षु नहीं है ना, वो है ना संसार से सुख देखता है, संसार में सुख की खोज करता है, वही जो वेदांत का अध्ययन करेगा वो ज्ञान के लिए नहीं करेगा, वो वो संसार का भोग के लिए करेगा। वो वास्तविक मुमुक्षु यदि हो तो ब्रह्म ज्ञान के लिए करेगा। इसलिए इसलिए साधक को ये समझना चाहिए, आप किस लिए वेदांत का अध्ययन करते हो, इसका ज़्यादा महत्व होता है कि नहीं। जिस प्रकार कर्म करते हो आप, कर्म क्यों करते हो, तो उसके आधार पर आपको फल मिलेगा है कि नहीं। इस बार कोई उपासना करता है, उपासना क्यों करता है, भूत प्रेत को शांत के लिए उपासना करता है कि रोग की निवृत्ति के लिए उपासना करता है, कि पुण्य की प्राप्ति के लिए करता है ना, कि ज्ञान के लिए करता है कि। जैसे कोई गंगा स्नान करता है तो सभी व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं गंगा स्नान। काशी विश्वनाथ जाते हैं, सब लोग एक ही उद्देश्य के लिए नहीं जाते हैं, है कि नहीं। इसी वगैरह वेदांत का अध्ययन को भी समझना चाहिए। यदि आप मुमुक्षु हो तब तो ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक भी बात समझ लो, यद्यपि तीव्र मुमुक्षा नहीं है, ठीक है, तीव्र विवेक, तीव्र वैराग्य, तीव्र समाधि, षट संपत्ति, तीव्र मुमुक्षा नहीं है, फिर भी आप वेदांत का अध्ययन करते हो, वेदांत का श्रवण करते हो, कर्तव्य बुद्धि से करते हो, ठीक है, हाँ शास्त्र की आज्ञा से प्रेरित होकर करते हो, आचार्य की आज्ञा से प्रेरित होकर करते हो, तब तो धीरे 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 आपके चित्त में पूर्ण विवेक भी हो जाएगा, पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, समाधि सड़ संपत्ति भी हो जाएगी पूरी पूर्ण, और तीव्र मुमुक्षा भी हो जाएगी, है ना। इसलिए वेदांत का श्रवण आदि को श्रेष्ठ साधन कहा जाता है। चलिए, न खलो तद ज्ञानम बिना, बोलते ये जो ज्ञान हमने बताया ब्रह्म साक्षात्कार आत्म ज्ञान, उस ज्ञान के बिना तभी अविद्या की निवृत्ति होगी निनारण, ये बोल रहे हैं। देखो, सवासना विधि दुख निदानम अविद्या उच्छिद्यते, न खलो उच्छिद्यते, है ना, कुछ भी कर लो ज्ञान जब नहीं होगा तो अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। और क्या, बत्ती में कितना भी तेल भर लो कितना बढ़िया ही मोमबत्ती लगा लो, प्रकाश जब नहीं होगा तो अंधकार कैसे जाएगा। विवेक चूड़ामणि भगवान भाष्यकार नहीं कहते, यही कहते हैं
कितना भी तुम वैद्य हो जाओ, खुद वैद्य भी क्यों ना हो जाओ, रोग का निराकरण तब तक नहीं होगा जब तक औषधि का सेवन नहीं करते हो। इस प्रकार है, जब तक ज्ञान नहीं होगा, कौन सा ज्ञान? अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान जब तक नहीं होगा अविद्या की निवृत्ति तो नहीं होती, ये बोल रहे देखो, है ना। नखलो तद ज्ञानम बिना, तद ज्ञान मतलब क्या? ब्रह्म का ज्ञान, साक्षात्कार आत्म ज्ञान जो है, वो ज्ञान के बिना जय हो पशुपतिनाथ, ब्रह्म ज्ञान के बिना जो है सवासना विविध दुख निदानम अविद्या उच्छिद्यते। वासना के साथ अनेक प्रकार का जो दुख है, सभी दुखों का निदान कौन है? अविद्या। अविद्या का उच्छेद ज्ञान के बिना तो नहीं हो सकता है ना। अच्छा, और अविद्या का उच्छेद जब तक नहीं होगा, आपके स्वरूप का आविर्भाव तो नहीं होगा, ये बोलते हैं। एकदम ठोस बता रहे महामंत्रिकार, देखो भाई, नच तद उच्छेद मंत्रण, वो अज्ञान तो आवरण है। आवरण जब नहीं होता होगे, है कि नहीं, तो फिर जो ब्रह्म के स्वरूप का आविर्भाव कहाँ से होगा? ये बोलते हैं, देखो, नच तद उच्छेद मंत्रण, तत् का अर्थ अविद्या, अविद्या का तत् शब्द से अविद्या को लीजिए, तद उच्छेदम अंतरेणा, अंतरेणा शब्द के योग में द्वितीयांत भी होता है, इसलिए अविद्या का उच्छेद के बिना, अंतरेण का अर्थ बिना, विगलित निखल दुख अनुसंग आनंद घन ब्रह्मात्मता साक्षात्कार आविर्भवो जीवस्य। जीव का वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म है कि नहीं? कैसा ब्रह्म? बोलते हैं कि विगलित निखिल दुख अनुसंग, है समस्त दुख का जो अनुसंग है, अनुसंग का अर्थ होता है अध्यास, है दुख से उपलक्षण ले लो, सुख दुख राग द्वेष, ये सब जो है उपाधि के धर्म होते हैं, है इसका अपने अनुसंग कर लिया, अपने में आरोप कर लिया, अध्यास कर लिया, है ना। तो ये दुख का अनुसंग समाप्त हो गए, विकलित हो गए, ऐसा जो आनंद घना है वही तो ब्रह्म है। और ब्रह्मात्मता, यही ब्रह्म का स्वरूप है जीव, जीव का स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप ही है, इसलिए ब्रह्मात्मता साक्षात्कार, ऐसे ब्रह्म का स्वरूप का साक्षात्कार जो आविर्भाव है, ये तब तक नहीं होगा जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। ज्ञान के द्वारा अविद्या को निवृत्त करना यही पुरुषार्थ है। तस्मा, इसीलिए जो है आनंद घन ब्रह्मात्मता इच्छता, ये देखो भाई, तत् उपायो ज्ञानम ऐसितव्यम। आनंद घन रूपी जो ब्रह्म है ना, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद घन, आनंद ही आनंद, उसको बोलते हैं आनंद घन, जैसे अंधव घन, ठीक है ना। सुसुप्त में जाते हो तो देखो आनंद ही आनंद है कि नहीं, उसमें कोई उपाधि नहीं है, कोई उपाधि का आपका संबंध न होने से आपका स्वरूप तो आनंद ही आनंद है ना। फिर भी वहाँ पर अविद्या आवरण है, अविद्या आवरण होने से है ना, जो है फिर भी स्वरूप को नहीं जान पाता है, समझ में ना। और जागृत में लौटता है स्वरूप आनंद से, फिर भी उनको भान नहीं होता है मैं स्वरूप आनंद से आया हूँ, अध्यास हो गया ना, उठने के बाद फिर शरीर में अध्यास हो गया, पूर्व संस्कार फिर अभिव्यक्त हो जाता है। कल जैसे आप अपने को ब्राह्मण है, मैं मनुष्य हूँ, मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, जैसा मान रहे थे पूर्व संस्कार से, अभी भी आज भी ऐसा ही मान रहे हो, वही पूर्व संस्कार वही व्यक्त हो जाता है, बराबर ना, ये बोलते हैं। चलो, तो ये बोलते हैं कि आनंद घना ब्रह्म स्वरूप, इसको जो प्राप्त करना चाहता है, इच्छता है ना, इच्छत का इच्छता हो गया,
इच्छा करने वाला कौन है? मुमुक्षु साधक है ना, वो क्या चाहता है? बोलते हैं तत् उपायो ज्ञानम ऐशितव्यम है ना, वो ब्रह्म स्वरूप को जानने का साधन हो गया ज्ञान, और क्या है, और कोई उपाय तो है ही नहीं। अरे भाई, आवरण से जो वस्तु नहीं, जिस वस्तु का भान आवरण है ना, ये क्या बोलते हैं, जिस आवरण से वस्तु का भान नहीं हो रहा है, उस वास्तु का भान कैसे होगा? आवरण को हटाओ, और क्या उपाय, और कोई उपाय तो है ही नहीं। इसलिए तत् उपायो ज्ञानम, वो आनंद घना ब्रह्म स्वरूप को आवृत करने वाला जो अज्ञान है, उसको हटाने वाला कौन है? उपाय क्या है? ज्ञान है, और क्या है। इसलिए ज्ञानम ऐशितव्यम, ये ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहिए, ये बोलते हैं। ऐशितव्यम का अर्थ जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। हाँ, कौन प्राप्त करना चाहेगा? इच्छत, मुमुक्षु, मुमुक्षु के द्वारा, इच्छता तृतीय एक वचन, मुमुक्षु जो इच्छा करने वाला है ना, तो उनको तो ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए, ये विचार हो गया। अच्छा, तच्च न केवलभ्यो वेदांतभ्योपि वेदांतेभ्यो अपितु ब्रह्ममीमांसा उपकरणेभ्यः इति इच्छा मुखेन ब्रह्ममीमांसायां प्रवर्तते। बोलते हैं देखो, वो जो ज्ञान है ना, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, अज्ञान को दूर करने वाला जो ज्ञान है, केवल वेदांत से प्राप्त नहीं हो सकता, ये बोलते हैं भैया, केवल वेदांत से प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ तर्क भी चाहिए, समझ में कि नहीं, अनुकूल तर्क, इसको बोलते हैं ब्रह्म मीमांसा उपकरण। ब्रह्म विचार के लिए उपकरण होता है तर्क, जिसको मनन बोलते हो ना, आत्मा वरे द्रष्टव्य श्रोतव्य तो बोल दिया, फिर क्या कह दिया, मंतव्य है कि नहीं, शास्त्र कह रहा है कि तुम्हारा स्वरूप तो ब्रह्म है कि नहीं, लेकिन जो कहाँ बुद्धि में बैठ रहा है, अरे मैं तो सुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, शास्त्र कह रहा है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये क्या सारा जगत दिखाई दे रहा है, हाँ तो सारा जगत दिखाई दे रहा है, सब कुछ ब्रह्म कैसे हुआ भाई। शास्त्र तो झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए मनन करना पड़ता है, क्या वास्तविक, क्या सत्य होता है दिखाई देने से, ये विचार करना पड़ता है, अनुकूल तर्क को बोलते हैं मनन, है ना, यही है, इसलिए मनन भी होना चाहिए, है ना। इति, इसलिए जो है, इच्छा, इच्छा मुखे न, इसको पाठ करिएगा, आपकी पुस्तक में पाठ होगा, इच्छा निभे न, निभ का अर्थ सदृश, इच्छा मुखे न, मतलब इच्छा के द्वारा, क्या पाठ है आपकी पुस्तक में राजू जी? हाँ, मुख, ठीक है, अच्छा है, इच्छा मुखे न, है ना, किसी के पुस्तक में यदि निभ होगा, निभ, निभ, निभे न, तो उसको करिए इच्छा मुखे न, मतलब इच्छा के द्वारा, ठीक है। अरे भैया, आपको यदि इच्छा ही नहीं है, तो आपकी प्रवृत्ति विचार में कैसे होगी? समझ में कि नहीं, इच्छा यदि नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये बोलते हैं भैया। फिर ब्रह्म मीमांसायाम प्रवर्त्यते, ब्रह्म मीमांसा विचार, ब्रह्म मीमांसा का मतलब ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार, विचार में प्रवृत्ति तब होती है जो है विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन विचार हो गया कारण, ज्ञान हो गया कार्य फल, ज्ञान रूपे जो फल नहीं चाहता है तो विचार में क्यों प्रवृत्त होगा वो? ये बात कह रहे, दूसरे में प्रवृत्त होगा ना, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। हाँ, महापुरुष में जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति तो बाधित है, वहाँ पर इच्छा के बिना भी प्रवृत्ति हो सकती है। ज्ञानी का प्रसंग अलग चीज है ना, और अब ज्ञानी तो है ही नहीं, तो साधक है नारायण,
है कि नहीं। इसलिए साधक की जो प्रवृत्ति होती है उसमें तो इच्छा तो जरूर होनी चाहिए, है कि नहीं, ये होता है। इसमें अगर भक्ति सिद्धांत में भी देखो, हमको मोक्ष नहीं चाहिए बोलते हैं ना फिर भी वहां पर क्या चाहते हो, सुख चाहते हो कि नहीं? चाहे अपने हो चाहे किसी को भी हो, सुख तो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कि सुख भी नहीं चाहते हो ऐसा नहीं होता है सुख चाहते हो इसलिए भक्ति में प्रवृत्त होते हो। ये सभी सिद्धांत में घटेगा, है ना। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है वहाँ पर इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है, ये होता है। ये बोलते हैं इच्छा निवेना, मतलब इच्छा के द्वारा ब्रह्म मीमांसायाम प्रवर्तते। ब्रह्म ज्ञान के लिए मीमांसा मतलब विचार, विचार में प्रवृत्ति होती है। ये सिद्धांत है भैया, मानना ही पड़ता है इसको, है ना। अच्छा, और बोलते हैं कि ज्ञान तो हो जाएगा, वेदांत का अध्ययन कर देने से नहीं हो जाएगा नहीं हो सकता, ये बोल रहे। देखो न तो वेदांते सु तदर्थ विवक्षायाम वा। ये देखो जो साधक की जो प्रवृत्ति होती है ना, ये देखो ध्यान से सुनिए आप लोग क्या बोल रहे हैं। भामतिकर बोल रहे हैं वास्तविक जो ज्ञान चाहता है ना व्यक्ति, है कि नहीं, ज्ञान के उपाय में प्रवृत्त होता है वो। ज्ञान का उपाय क्या है? विचार। केवल अध्ययन मात्र नहीं है, गुरु के पास गया और अध्ययन कर लिया, है कि नहीं। हिसाब आसम इदम सर्वम, हाँ पढ़ो छात्र तुम पढ़ो, मैं जैसा पढ़ रहा हूँ बस ऐसा पढ़ लो बस। केवल इससे क्या होगा? उसी के ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा लोग इसी में लगे हैं प्राय करके, है कि ये ऊपर की बात बोल रहे हैं भावंतिकार। केवल अध्ययन में साधक की प्रवृत्ति नहीं होती है, अथवा तदर्थ विवक्षायाम। और तदर्थ बोले इस शब्द का क्या अर्थ है, ईशा का क्या अर्थ है, भाष्यम का क्या अर्थ है, बस केवल अर्थ को जानने में नहीं है है कि नहीं, लोग इसी में लगे हैं बस। गुरु के पास गए अथवा नहीं भी गए, सुन लिया है शास्त्र को, सुन लिया और शास्त्र का क्या अर्थ है, हाँ समझ में आ गया, हाँ गुरु जी समझ में, यही तो ज्ञान है और क्या है बस इससे कुछ नहीं होता है, इससे ज्ञान नहीं होता है, विचार करना पड़ता है, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, इच्छा ठीक से लगाओ, इच्छा निभेन, इच्छा के द्वारा। इच्छा होती है, किसकी इच्छा होती है? ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होती है। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा क्यों होती है? ब्रह्म ज्ञान से जो है मोक्ष होगा, ये कि नहीं। जो मोक्ष चाहता है वो प्रवृत्त होता है मोक्ष के उपाय में। मोक्ष का उपाय क्या है? ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान का उपाय क्या है? विचार, है कि नहीं, ये बोलते हैं। इसलिए ब्रह्म विचार में मीमांसा का अर्थ ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार, विचार में प्रवृत्त होता है, ये बोलते हैं। न तो वेदांतेषु, वेदांत का अर्थ यहाँ पर क्या है? अध्ययन। केवल अध्ययन मात्र में प्रवृत्ति नहीं, अथवा तदर्थ, तदर्थ मतलब वेदांत का जो अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है बस, केवल इसमें प्रवृत्ति नहीं होता है। समझ में रहा राजू? हो गया? हाँ, लोग इसी में अटकते हैं बस। शास्त्र को समझ लिया असमझ, हाँ जी हाँ बोलो, व्याकरण में भी फंस जाते हैं, है ना। वेदांत की बात कह रहे हैं आपको, वेदांत व्याकरण तो बहुत दूर की बात है। जो लोग वेदांत सुनते हैं समझ लिया बस, इस शब्द का क्या अर्थ है बस, समझ लिया तो बस उसमें फुल स्टॉप लग गया बस, समझ गया और क्या, इस शब्द का ये अर्थ समझ लिया बस। तत्का अर्थ ब्रह्म, त्वम का अर्थ तुम, असी मतलब हो गया महावाक्य और क्या, समझ में आ गया, हाँ गुरु जी समझ में आ गए, अरे यही तो ज्ञान है और क्या ज्ञान है बोलो शब्द के अर्थ को समझ लिया यही ज्ञान है, केवल इसमें प्रवृत्त नहीं होता है, ये बोलते हैं भावंतिकार। समझ में ये बात है, इसी में लोग रह जाते हैं। न तो वेदांतेषु, वेदांत का अर्थ अध्ययन, केवल वेदांत के अध्ययन में प्रवृत्त नहीं, अथवा तदर्थ विवक्षाया, अथवा वेदांत का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, केवल इतने मात्र में प्रवृत्त नहीं होता है ना। विचार
अध्ययन जरूर करेगा, शब्द का अर्थ भी क्या है समझेगा, फिर विचार करता है, तो विचार में साधक प्रवृत्त होता है ये बोलते हैं, क्योंकि विचार के बिना ज्ञान तो होगा नहीं। और तो केवल अध्ययन मात्र से ज्ञान नहीं होता है, केवल शब्द का अर्थ का जानने मात्र से ज्ञान नहीं होता है, वो तो पदा पदार्थ का ज्ञान हुआ ये बोलते हैं। ठीक है, चलो भैया। तत्र फलवत अर्था अवबोध परताम स्वाध्याय अध्ययन विदेहे सूत्र यथा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति अनेन एव प्रवर्तितत्वा। ये देखो कह रहे, केवल साधक उसमें प्रवृत्त नहीं होता है, केवल अध्ययन में अथवा पद के अर्थ को जानने में प्रवृत्त नहीं होता है, वो तो उससे हो गया। वो कर्मकांड के समय हो गया है ना, वो तो साधन चतुष्ट संपन्न होने से पहले हो गया ये बोलते हैं। कैसे देखो, फलवत अर्थ अबोध परताम स्वाध्याय अध्ययन विधे। स्वाध्याय अध्ययन विधि जानते हैं आप लोग, स्वाध्यायो अध्येतव्य ये कहते हैं, इसको कहते हैं स्वाध्याय अध्ययन विधि है। तो वेद का अध्ययन करना चाहिए ये विधि हो गई, अध्ययन विधि बोलते हैं इसको। तो इसका तात्पर्य किसमें है, फलवत अर्थ अबोध, हाँ फल है प्रयोजन है कि नहीं, इसलिए प्रयोजन वाला जो अर्थ है उसका ज्ञान करने में तात्पर्य होता है, यही साध्य अध्ययन विधि है ना। ये जो साध्य अध्ययन विधि है वाक्य को न स्वाध्यायो अध्येतव्य है ना, तो इस मंत्र को सूत्रित करते हुए, इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए सूत्रित करते हुए है, अथा तो धर्म जिज्ञासा है, पूर्व मीमांसा में आया, जैसे ब्रह्मसूत्र है ना, ब्रह्मसूत्र में जैसे सूत्र लिखा गया है ना, वो किसी न किसी मंत्र को विषय लेकर के, किसी न किसी मंत्र को विषय बना करके सूत्र लिखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से पूर्व मीमांसा में भी ऐसा ही है, ये जो सूत्रकार लिखते हैं महर्षि जैमिनि अथा तो धर्म जिज्ञासा है, इस वेद वाक्य के विषय में स्वाध्यायो अध्येतव्य, जो वेद वाक्य अध्ययन विधि अध्ययन का विधान करता है, किसका अध्ययन, स्वाध्याय, स्वाध्याय वेद, वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद का अध्ययन से क्या होगा, फिर अर्थ का ज्ञान होगा, फल वाले अर्थ का ज्ञान होगा ये बोलते हैं। अर्थात धर्म जिज्ञासा इति अनेन एव प्रवर्तित, ये देखो, इसलिए अध्ययन और अध्ययन से अर्थ का ज्ञान, पद पदार्थ का ज्ञान है ना, वो तो उसी से हो गया। अर्थात धर्म जिज्ञासा सुन करके हो गया, वो ये बोलते हैं इससे प्रवृत्त हो गया। अच्छा, अर्थात धर्म जिज्ञासा, ये देखो, ये महर्षि जैमिनि का पहला सूत्र है, तो वहाँ पर धर्म शब्द आया, धर्म जिज्ञासा, धर्म ग्रहणस्य, ये जो धर्म शब्द का ग्रहण हुआ है इसको कहते हैं उपलक्षण, तो सबका उपलक्षण हो जाएगा है। जैसे कहते हैं ब्राह्मण न हंतव्य, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो ब्राह्मण से बाकी का भी उपलक्षण होता है, ब्राह्मण की हत्या करने पर अधिक पुण्य होगा, ये पुण्य बोलते उल्टा अधिक पाप होगा, क्षत्रिय आदि को मारने पर ही पाप होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी अथा तो धर्म जिज्ञासा, केवल धर्म का विचार करना ऐसा अर्थ नहीं, धर्म के साथ साथ दूसरे का भी विचार करना होता है, धर्म जैसे जिज्ञास्य है इसी प्रकार अधर्म भी जिज्ञास्य है। धर्म के साथ साथ अधर्म को भी जानना पड़ता है, अब ब्रह्म को भी जानना पड़ता है ये बोलते हैं। देखो वेदार्थो कहाँ चला गया, धर्म ग्रहणस्य, धर्म शब्द का जो ग्रहण किया गया उपलक्षण है, किसका, वेदार्थ उपलक्षणत्वेन, वेद में जो प्रतिपाद्य अर्थ है सबका उपलक्षण करता है धर्म ग्रहण है ना। इसलिए अधर्मवत ब्रह्मणोपि उपलक्षणत्वात्, धर्म से अधर्म का भी ग्रहण होता है और ब्रह्म का भी ग्रहण हो जाता है, सब वेदार्थ है, वेद से प्रतिपाद्य धर्म भी है
वैसे प्रतिपाद्य अधर्म भी है और वैसे प्रतिपाद्य ब्रह्म भी है, ये बोलते हैं। अच्छा और थोड़ा आगे, यद्यपि च अधर्म मीमांसावत, ऐसा पाठ है, यद्यपि चा है कि केवल च है, उसको चा करिए इसको, यद्यपि चा धर्म मीमांसावत विच्छेद करेंगे तो च अधर्म मीमांसावत ऐसा हो जाएगा। ये पाठ अच्छा मालूम पड़ रहा है ना, क्योंकि अथा तो धर्म जिज्ञासा कहने से धर्म शब्द से जैसे अधर्म का भी ग्रहण किया है कि नहीं, धर्म भी जिज्ञास्य है, धर्म को भी जानना चाहिए अधर्म को भी जानना चाहिए, पुण्य को भी जानो पाप को भी जानो, कल पुण्य को जानने से क्या होगा, पाप को भी तो जानना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार कह रहे धर्म शब्द से जैसे अधर्म का ग्रहण होता है ना, वेदार्थ मीमांसया वेद का जो प्रतिपाद्य अर्थ है उसका विचार होता है ना, इसलिए ब्रह्म मीमांसापि आक्षेपतुम शक्य है ना, इसलिए अर्थात धर्म जिज्ञासा कहने से ब्रह्म मीमांसा भी आ गई है, क्योंकि धर्म से उपलक्षण हो गया ब्रह्म का, धर्म से उपलक्षण जैसे अधर्म का होता है इस प्रकार ब्रह्म का भी तो हो सकता है, इसलिए अर्थात धर्म जिज्ञासा कहने से क्या होगा, धर्म की भी जिज्ञासा करो अधर्म की भी जिज्ञासा करो और ब्रह्म की भी जिज्ञासा करो, ये अर्थ हो गया कि नहीं हो गया है ना। तथापि फिर भी ऐसा अर्थ हो सकता है, फिर भी प्राच्या मीमांसया न तद व्युत्पाद्यते, फिर भी पूर्व मीमांसा के द्वारा प्राची है, प्राची से तृतीय एकवचन क्या बनेगा, प्राच्या, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी महर्षि ने जो कहा लिखा है वो है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के द्वारा न तद व्युत्पाद्यते, ब्रह्म का व्युत्पादन ब्रह्म का विचार नहीं किया गया पूर्व मीमांसा में है ना, ये बोलते हैं, इसलिए ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म का विचार किया गया ये बोलते हैं, ये कहने जा रहे हैं। नापि ब्रह्म मीमांसायाः अध्ययन मात्रा अनंतरम, अब देखो उपसंहार कर रहे, ब्रह्म का विचार तो करना चाहिए लेकिन किसके अनंतर करना चाहिए, ये तो विचार चल रहा है शुरू से ही केवल अध्ययन मात्र से ब्रह्म विचार नहीं हो सकता, जिसने वेद का अध्ययन कर लिया और साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तो कैसे कर लेगा ब्रह्म का विचार हो इसलिए हाँ वेद का अध्ययन किया हो अथवा नहीं किया हो कोई बात नहीं, लेकिन साधन चतुष्ट संपन्न तो जरूर होना चाहिए बोलते हैं। अध्ययन मात्राद अनंतर्यम नापि, ब्रह्म विचार के लिए केवल अध्ययन मात्र का अनंतर्य ये नहीं होता है कि नहीं ये बोलते हैं। ब्रह्म मीमांसा आरंभाय, ब्रह्म मीमांसा का आरंभ करने के लिए है ना, ब्रह्म सूत्र का आरंभ किया भाई है ना, कौन साधक है यहाँ पर, नित्यानित्य विवेकादि अनंतर्य प्रदर्शनाय, पहला सूत्र क्या हो गया, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्द के द्वारा अनंतर्य का प्रदर्शन किया गया, किसके अनंतर्य, बोले साधन चतुष्ट संपत्ति ये बोलते हैं, नित्यानित्य विवेक आदि से ले लो, वैराग्य समाधि षड संपत्ति और मुमुक्षा, इसके अनंतर ही ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार आरंभणीय होता है, इसलिए इदम सूत्रम, ये पहला सूत्र है आरंभणीयम, आरंभ करने योग्य है, इति अपुनरुक्त्यम, इसलिए पुनरोक्ति दोष नहीं है, पुनरोक्ति हो जाती ना यदि पूर्व मीमांसा में भी ब्रह्म का विचार किए होते तो ब्रह्म सूत्र का आरंभ करना ये पुनरोक्ति, फिर उसी का फिर क्यों विचार कर रहे हो, परंतु पूर्व मीमांसा में धर्माधर्म का विचार तो किया गया परंतु ब्रह्म का विचार नहीं किया गया है, इसलिए
साधन चतुष्टय संपन्न के बाद तो साधक को ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। ये पहला सूत्र प्रारंभ किया अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये विचार पूरा हो गया। आगे आएगा कि ब्रह्म से कौन ब्रह्म है, ये विचार आएगा। ब्रह्म निर्विशेष है कि सविशेष है, कैसा ब्रह्म ये आगे कहा जाएगा। बस इतने में रखते हैं आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।